पहले हम लोग टॉरेंट साइट से डाउनलोड करते थे गेम्स को, जबकि आज लोगों के पास थोड़ी सी शिक्षा और अकल आ गई है तो प्लेयर्स अभी गेम को शायद खरीद के खेलते हैं। स्टीम, एपिक, गॉग, प्ले स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सबॉक्स, निंटेंडो जैसे कई सारे मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे आप अपने अपने हार्डवेयर के हिसाब से गेम को खरीद सकते हो। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पीसी गेमर्स की, बात होगी आज स्टीम प्लेटफॉर्म की। बात करेंगे स्पेशली कैसे स्टीम में सालों साल फेस्टिव सेल्स का ये नंगा नाच चलता हुआ आया है और हम और आप जैसे गेमर ना चाहते हुए भी इस चीज का पार्ट बनते हुए आए हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो हमारे स्टीम लाइब्रेरी पे मौजूद 40% स्टीम गेम्स को हम जिंदगी में कभी खेलते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्हें खरीदते हैं। सीधी सीधी बात करें तो 5 गेम्स अगर आपके पास है उनमें से शायद 2 गेम्स को आप कभी टच भी नहीं करोगे, तो फिर मतलब क्या है इन्हें खरीदने का? क्या क्या साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है स्टीम मार्केट प्लेसेस के द्वारा ताकि आप इस पर्टिकुलर गेम को खरीदो और बल्कि ये स्टीम आपको खरीदने के लिए मजबूर कर दे? तो आइए इस साइकोलॉजी को समझते हैं। पहले तो एक कॉमन और बेसिक बात को समझ लो जो हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई है। देखो गेमर्स की ना एज ग्रुप होती है, हर एक एज के लोग गेमर होते हैं। 16-20 की अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली इनके पास बहुत सारा टाइम रहता है, इनका एकेडमिक्स रहता है तो साथ ही साथ कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, घर पे बैठ के खेलता है और बहुत सारे जॉनरा को एक्सप्लोर करना चाहता है। वही अगर हम लोग 20-30 साल की अगर बात करें तो ऐसे में ये गेमर जो होते हैं वो कुछ चुनिंदे जॉनरा को ही एक्सप्लोर करते हैं और उन्हीं में ग्राइंड करना ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे अगर आपका उम्र 30 साल से ऊपर है तो ऐसे में गेम खेल रहे हो 2 बातों के चलते, एक कि आप रियल गेमर हो, 2 गेम शायद आपकी लाइफ के साथ खेल रहा है। लॉजिक यही है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारा टाइम बहुत ही लिमिटेड हो जाता है और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनलिमिटेड। अब इस सिनारियो में हर 3 महीने बाद स्टीम में सेल्स का नंगा नाच देखने के लिए मिलता है। समर सेल हो गए, ऑटम सेल हो गए, विंटर सेल, स्प्रिंग सेल, और सिर्फ यही नहीं और इनके बीच भी आ जाते हैं कई सारे और, जैसे कि पब्लिशर सेल, जॉनरा स्पेसिफिक सेल, बिना सिर पैर के सेल, ऐसे कई सारे। मान लो कि आपको फार क्राई की कुछ टाइटल्स पसंद है, जैसे कि मुझे पसंद है फार क्राई 3, फार क्राई 5, फार क्राई 4, लेकिन मुझे शायद फार क्राई 1 उतना सही नहीं लगता, फार क्राई ब्लैड ड्रैगन भी उतना सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं उस फार क्राई बंडल को ज्यादा प्रेफर करूंगा खरीदने को, क्योंकि वो बंडल जो कि एक्चुअली में 12,000 की बिकती है वो अभी मुझे कुछ 2,000 में मिल रहा है, तो मैं क्यों ना खरीदूं। शायद वो फार क्राई 1 को मैं कभी कोशिश करूंगा खेलने की, शायद 1-2 दफा ट्राई आउट भी कर लूं और इसी चक्कर में सिर्फ 2-3 में गेम खेल पा रहा हूं जबकि मैं 7-8 गेम तो ले ही चुका हूं। तो 40% का आंकड़ा यही पे भी बैठता है। और सिर्फ बंडल से स्टीम पैसा नहीं कमाता, हमें नहीं लूटता, बल्कि आपकी बढ़ती हुई डोपामीन को और भी रश करने के लिए कुछ डिस्काउंट नंबर्स आपके मुंह पे दे मारी जाती है, जैसे कि 60% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ, 90% 98 फक ऑफ। ये परसेंटेज स्क्रीन पे जब आप देखते हो आपकी खून खौलता है और आप ना चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे गेम्स को खरीद के बैठते हो जो शायद ही आप कभी खेल पाओगे, बिकॉज इट्स ए स्टील डील। ये आपकी मन आपको कहता है ये डील स्टील डील आपके लिए नहीं है बल्कि आपको बेवकूफ बनाई जा रही है और स्टीम के लिए आप एज अ कस्टमर एज ए स्टील डील हो। तो इतनी आसानी से जो वो आपको 16 साल पहले का गेम बेच पा रहा है, क्या ये कोई स्टील डील नहीं है स्टीम के लिए? स्टीम कभी आपको ये नहीं दर्शाएगा कि करंट प्राइस 500 का है और गेम वो आपको 250 में दे रहा है, बल्कि वो पर्टिकुलर गेम की लॉन्च प्राइस के ऊपर वो आपको गेम को 250 में देने का वादा करेगा, मतलब कि डायरेक्टली 85% ऑफ वहां पे वो दर्शा सकता है। सुनने में ये अच्छा लगता है ना, तो खरीद भी आप लोगे। इसको कहते हैं रूल ऑफ 100। अब एक और सिनारियो भी जान लीजिए, फ्लैश सेल्स के दौरान स्टीम आपके मन में उस गेम को लेकर एक स्कर्सिटी पैदा करता है, मतलब फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, अब नहीं तो कब, ये सवाल आपके मन में टटोलता है और नीचे जो टाइमर आपको दिखता है कि 2 ही दिन में या तो फिर कुछ घंटे में ये डील आपको वापस से नहीं मिलने वाला, ये गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या करूं, जल्दी जल्दी खरीद लेता हूं, और इसी के चलते आप
पोपट बन जाते हो। ये चीज आपके माइंड पे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है एंड इट इज क्वाइट टिपिकल इन ह्यूमन नेचर। एक कॉमन सिनेरियो ये भी है साइकोलॉजिकल प्राइस पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जगह पे आप देखे होंगे कि 100 की जगह 99 या तो फिर 1000 की जगह 999 पे आपको चीजें मिलती रहती है। बात ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही रुपए का फासला है, बात यह है कि 1000 की चीज को आप 1000 की चीज मानते हो, 1000 के नीचे वाली चीज को आप 1000 के नीचे वाली चीज मानते हो। ये साइकोलॉजी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये साइकोलॉजी हर वक्त काम करता है क्योंकि हम लोगों का सोच ही कुछ ऐसा होता है और ऐसे ही स्टीम हमें लूटते रहते हैं। प्राइस टैग का फर्स्ट नंबर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमारी बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। फिर आता है इम्पल्स बाइंग, मतलब कि बिना सिर पैर के, बिना डिसीजन के, बिना सोच विचार के हम लोग जब चीजों को उठाते हैं। लेने आए थे 2500 की एल्डन रिंग और चेकआउट करने से पहले स्पेशल ऑफर टैब में जाकर जरा देख ले कि 1000 रुपीज के नीचे कौन कौन से गेम अवेलेबल है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4-5 मिनट पे आपको 7-8 गेम ऐसे दिख जाएंगे और उनमें से आप 2-4 को ले ही बैठोगे एंड बैम, एल्डन रिंग भी खरीद ली, साथ ही साथ पोर्टल 1 और 2 भी खरीद लिया एंड वेलकम टू 2024। शायद ही आप आगे जाके पोर्टल जैसे गेम खेलोगे जो कि 20 साल पुरानी है। और एक बात कि हमारी ये मन को बहुत सारे चीजों को विशलिस्ट करने में मजा आता है क्योंकि खरीदने का औकात हो ना हो, विशलिस्ट करने में पैसा थोड़ी लगता है और विशलिस्ट करने से आप गेम के साथ एक कनेक्टिविटी बना लेते हो। स्टीम इस बात का ही फायदा उठाता है। देखिए, हर एक गेम के जो स्टोर पेज होते हैं वहां पे कार्ट शायद नीचे रहे, लेकिन आपको विशलिस्ट तो पहले ही मिल जाएगा ट्रेलर के ऑप्शन के नीचे क्योंकि इसकी प्लेसमेंट बड़ा जबरदस्त होता है। एक बार आपने गेम को विशलिस्ट कर लिया और फिर स्टीम आपको बार बार वही ऑफर आपके मेल के थ्रू भेजता रहेगा कि विशलिस्ट वाली गेम में थोड़ा सा प्राइसेस ऑफ हो चुकी है, आप प्लीज इसको जरा चेकआउट कीजिएगा। ऐसे ऐसे करके स्टीम आपकी मन में घुसता जाता है, वो गेम आपकी मन में रह जाता है। भले ही आप स्टीम तो खोलना ही पड़ेगा ना कोई भी गेम को खेलने के लिए, तो विशलिस्ट आप फिर से खोल के देखोगे खुद से कि भाई क्या विशलिस्ट में चीजों की प्राइस जो है वो घटी है, और सेल्स के दौरान तो आप देखोगे ही देखोगे। तो ऐसे में अगर विशलिस्ट वाली प्राइस घटती है तो आपके पास एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनता है कि इसको अभी खरीद लूं, ये गेम को अगर मैं ना खरीदा तो शायद मैं गेम के साथ जाती कर रहा हूं, इसको मैं बैग पे डाल के रख दिया, विशलिस्ट पे डाल के रख दिया लेकिन फिर भी नहीं खरीद रहा हूं, इट इज नॉट माई नेचर, मैं उसको खरीदूंगा। और जब तक कि ना आप उस गेम को खरीद लेते हो तब तक आपकी सांस नहीं आएगी, चैन नहीं आएगी। फिर जब भी आप स्टीम खोलोगे, विशलिस्ट को चेक करोगे तो मौका ढूंढोगे उसे खरीदने के लिए। ये एक रिश्ता बन जाएगा आपके साथ गेम का। चलो भाई, मैं आपको आपकी चाइल्डहुड पे लेके चलता हूँ। शायद आप रास्ते पे कहीं जा रहे थे मम्मी पापा के साथ, आपको दिख गई एक खिलौने की दुकान और खिलौनों की दुकान पे जो खिलौना शोकेस किया हुआ था बाहर से ही, उसको देख के आपके मन टटोलता था कि भाई कहीं तो जाके इस पर्टिकुलर खिलौना को हम लेना चाहते हैं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसे करते करते महीने गुजरते गए और आपकी अंदर वो खिलौने के लेने की चाहत बहुत सी बढ़ गई और ऐसे में एक दिन जाके घर पे मार पिटाई हो तो सही, लेकिन खिलौना आपको मिल ही गया। एट द एंड ऑफ द डे 40-50% क्षेत्रों में ऐसा ही होता है कि खिलौना घर में पड़े पड़े धूल खा जाता है, टूट जाता है क्योंकि कोई उसको लेके खेलने वाला नहीं होता। आपको सिर्फ वो चाहिए होता है इसीलिए क्योंकि यू वॉन्ट टू हैव दैट पोजिशन, यू वॉन्ट टू बी द कलेक्टर। वो भी तो है ना भाई, IAS-YAS कलेक्टर वलेक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे वो तो बात की बात है, लेकिन गेम कलेक्टर भैया हम सभी को ही बनना चाहते हैं। दोस्तों, इस टीम सेल्स का नंगा नाच यहीं पे नहीं रुकती बल्कि और भी कई सारे हथकंडे टीम अपनाते हैं अपने कस्टमर्स को गेम को खरीदवाने में, जैसे कि गेम की रेटिंग्स हो गए या तो फिर आप कह सकते हो स्टीम वाले रिव्यूज। नॉर्मली आपको क्या दिखता है ना साइट्स पे, 4.5 स्टार आउट ऑफ 5, 4 स्टार आउट ऑफ 5, 1 स्टार आउट ऑफ 5 तो बहुत कम दिखता है क्योंकि आजकल तो सब लोग रिव्यूज खरीद लेते हैं। एनीवेज, तो स्टीम की अगर बात करें, स्टीम में ऐसा नहीं होता, स्टीम का सिस्टम मुझे सही लगता है। स्टीम में आप किसी से कुछ खरीदवा नहीं सकते, मतलब स्टीम में ऐसा गफला नहीं होता, स्टीम में वही लोग रिव्यू दे पाते हैं जिनके पास गेम में एक्सेस है एंड दिस इज वेरी गुड। बट स्टीम क्या करते हैं, वो रेटिंग नहीं देती, वो एक्चुअली में कुछ लिखता है जैसे कि पॉजिटिव रिव्यू, वेरी पॉजिटिव रिव्यू, मिक्स्ड रिव्यू, ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिव्यू। तो ये सारे चीज हम लोगों के दिमाग पे रह जाता है क्योंकि हर जगह हम लोग 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 देख देख के पक चुके हैं। यहाँ पे अगर कोई लिख दे वेरी पॉजिटिव,
भले ही वो 70% लोगों ने रेकमेंड किया हो, 30% लोग स्टिल रेकमेंड नहीं कर रहे, लेकिन वेरी पॉजिटिव बिकॉज स्टीम से सो राइट। तो ये साइकोलॉजी है ताकि वो बायर्स के दिमाग पे घुस सके, टेलर मेड ऑफर करते हैं बायर को। बहुत सारे गेम जो आप खेलते रहते हो उसी हिसाब से गेम आपको वो दिखाता रहता है, और ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सेलिंग साइकोलॉजी ऑफ स्टीम। अब रहा सवाल आपको गेम को कार्ट पे ऐड करवाना, क्योंकि ये प्रोसेस तो बखूबी तरीके से स्टीम निभाती हुई आई है। एक बार अगर कार्ट पे ऐड कर लोगे, चेकआउट प्रोसीजर भी बड़ा सरल है अगर आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड है। एनीवाइज दोस्तों, आपको कोई गेम अच्छा लगा, आपने उसे कार्ट पे ऐड की, चेकआउट सिस्टम इतना स्मूथ है कि फट से आप उस पर्टिकुलर गेम को इंस्टॉल करके खेल पाओगे विद इन अ ब्लिंक ऑफ सेकंड्स। ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपके पास मानो कोई अलग प्लेटफॉर्म है, कोई अलग हार्डवेयर है, मानो कि प्लेस्टेशन या तो फिर एक्सबॉक्स, आप उस गेम को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे खरीद चुके या तो फिर पीए स्टोर पे खरीद चुके, लेकिन फिर भी पीसी के एक्सेसरीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस गेम को और भी बढ़िया तरीके से खेलने के लिए आपने उसका पीसी पोर्ट भी खरीद लिया। क्या ऐसा आपके साथ होता है? अगर ऐसा होता है तो गड़बड़ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कमेंट जरूर करना। डिसीजन पैरालिसिस की बात करें, चॉइस डिलेमा की बात करें, या पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की बात करें, मतलब एक ही है। मतलब ये है कि बहुत सारे गेम्स जब आपको दिखाई जाती है तो दो तीन गेम्स तो आप यूं ही उठा के खरीद लेते हो, भले उसको खेलो ना खेलो, उस पे दिमाग डालो ना डालो। ऊपर से सेल्स डिस्काउंट्स का नंगा नाच, आप अगर कुछ गेम्स इनमें से खरीद भी लिए, कुछ दिन बाद शायद आपको ऐसा लगेगा कि यू कुड हैव बाय अ बेटर गेम, प्रोबेबली अ बेटर चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको लॉस्ट होती हुई दिखेगी। मतलब कि आपको अगर एल्डन रिंग खरीदना था और उसी पैसे में आप 4-5 इंडी गेम्स खरीद लिए, और इंडी गेम्स खेल को आपको लगा कि भाई ये क्या बवासीर बना दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि एल्डन रिंग खरीदने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने गवा दिया, और वापस नेक्स्ट वाली सेल्स पे वही एल्डन रिंग आपसे खरीदवाया जाएगा डिस्काउंट देके। एक और चीज है जो शायद आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाए, क्योंकि पीयर प्रेशर के चक्कर में आके हम लोग सोशल प्रूफ को जस्टिफाई करने के लिए भी गेम खेलते हैं। आपके पास कुछ गेम है मल्टीप्लेयर? मेरे पास नहीं है, एक और दोस्त है हम लोग का म्यूचुअल फ्रेंड, उसके पास भी नहीं है। तो आपके पास है, आप उस गेम को खेल रहे हो, हर जगह वीडियोस डाल रहे हो, और ये देख के हम लोग ना स्कर्सिटी मेंटालिटी पे आ रहे भाई कि हमारा क्या होगा, क्या हमें समाज एक्सेप्ट करेगी विदाउट प्लेइंग दिस पर्टिकुलर गेम। भाई हम लोग खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि हम तो खरीदे आपके वास्ते कि आप खेलोगे तो खेलूंगा राइट, और आप खेलते नहीं हो। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर्स गेम ऐसे पड़े रहते हैं, और ज्यादातर क्षेत्रों में मैं कहना चाहता हूं कि भाई स्टीम का सेल जो होते हैं ना, वो हर 3 महीने में आता ही है। जो बड़े बड़े सेल्स है उसकी बात कर रहा हूँ, मेगा सेल्स की राइट। तो ऐसे ही गेम्स को खरीदो जो अगले 3 महीने में जाके आप खत्म कर सको, अगर नहीं कर सकोगे तो मत खेलो, मत खरीदो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी चीज मिस आउट कर लोगे, ये सबसे ज्यादा सत्य बात है, क्योंकि भाई स्टीम को आपको चीजें बेचनी है और आपको कहीं ना कहीं जाकर उसको खरीदनी है, और ये बेची और खरीदारी के बीच जो ट्रेडिंग आता है, ये ट्रेड का तड़का आपको हर 3 महीने में एक बार दिलाया जाएगा और आपको मिलता जाएगा बहुत अजीबो गरीब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्स। तो आप कभी भी कोई चीज मिस आउट नहीं कर दोगे, बस थोड़ी पेशेंस की जरूरत है भाई साहब। इस टीम की सेल्स का नंगा नाच से अपने आप को डिफेंड करने के लिए थोड़ी पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा दिमाग की जरूरत है। और अगर आप पायरेट करके गेम खेलते हो, देन फक यू मदरफकर, जस्ट फक ऑफ। एनीवेज दोस्तों, स्टीम सेल्स की ये डिस्काउंट्स के बारे में, ये साइकोलॉजी के बारे में, सेल्स टैक्टिक्स के बारे में, अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अगर आपको कुछ ऐड करनी हो तो नीचे कमेंट पे ऐड कर सकते हो। इस वीडियो को देखकर क्या आपको रिलेटेबल लगा, कौन से पॉइंट के साथ रिलेटेबल लगा, क्या सारे पॉइंट्स के साथ रिलेटेबल लगा, जो भी है आपका मन में साझा कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम है सिद्धार्थ, वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, प्यार देने के लिए शुक्रिया। इसे आगे तक शेयर करके मेरे चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिएगा, ठीक है ना। डन, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी गेमिंग।